हे कमल नयन, आपने अभी कहा कि दानवों से सहयोग लिया जाए, किंतु उन्हें अमृत की एक बूंद भी न दी जाए। हाँ हाँ महादेवी, मैंने यही कहा। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या ये छल नहीं कहलाएगा? कार्य की परिभाषा उसका उद्देश्य निर्धारित करता है महादेवी। यदि उद्देश्य उत्तम हो तो उसे छल का नाम नहीं दिया जाता, उसे नीति का नाम दिया जाता है। देवताओं को भी नीति से कार्य लेना होगा। छल तो गुरु शुक्राचार्य कर रहे हैं महादेवी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि संजीवनी मंत्र उन्हें मानव कल्याण के लिए चाहिए, पर क्या वो मानव कल्याण कर रहे हैं? वो तो संजीवनी मंत्र का उपयोग केवल दानव कल्याण के लिए कर रहे हैं। और यह छल है देवी, यही छल है। और इसके उत्तर में कोई भी कार्य, भले ही उस पर छल का संदेह ही क्यों ना हो, उचित ही नहीं उत्तम भी है। आप तो उत्तरों के उत्तर हैं, तर्कों के तर्क हैं और उद्देश्यों के उद्देश्य हैं कमल नयन। आपकी हर बात में रहस्य होता है।